प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। साल 2022 में ये व्रत 30 मई के दिन सोमवार को रखा जाएगा। सनातन धर्म के जातकों के लिए ये पर्व बहुत ही अधिक खास बताया गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इसी दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे, इसीलिए ये दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास बताया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में, जहां आज हम आपको अपने इस खास वीडियो में वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, इस व्रत का फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप इस कथा का श्रवण नहीं करते, इस कथा को सुनते नहीं हैं। तो वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम अश्वपति हुआ करता था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 सालों तक ये क्रम यूं ही चलता रहा, जिसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी जी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री पड़ा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता अब बेहद दुखी रहने लगे थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां शाल्व देश के राजा धूम्रसेन रहा करते थे। क्योंकि उनका राज्य छिन चुका था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब ये बातें पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्पायु का व्यक्ति है, ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। उनकी बेटी ने तो सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, जिस भी वर को तुमने चुना है वो वर अल्पायु का है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना होगा। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का वरण केवल 1 ही बार करती है, राजा 1 ही बार आज्ञा देता है और पंडित 1 ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। इस पर सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में जुट गई। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द के कारण व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते हुए दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने आए थे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि बेटा, ये तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने यमराज की बात बिल्कुल नहीं मानी।
सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी आप धन्य हो, आप मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन मैं आपके पति को ले जाऊंगा। आज आपके पति का अंतिम दिन है। इस पर सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब आप लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा देवी आप वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना तो मेरा धर्म है। ये सुनकर उन्होंने फिर से एक वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, आप वो दोबारा दिलवा दो। यमराज ने कहा ठीक है पुत्री, ठीक ऐसा ही होगा, अब तो तुम लौट जाओ। लेकिन इसके बाद भी सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को कहा कि आप तीसरा वरदान भी मांग सकती हैं। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दो। यमराज ने कहा ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा। अब इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं तो एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति वापस आ गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत करने वाली वैवाहिक महिलाओं को पति का सुख, पति की लंबी आयु का सुख, वहीं जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अगर संकट आने वाला है तो वो संकट टल जाता है। अगर आप वट सावित्री व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो इससे आपको लाभ देखने को जरूर मिलता है। आशा है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।